नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन सेंटर ऑफ इंडिया में। और आज आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो है, एक जानकारी है। ये उन मर्दों के लिए है जो अपनी पत्नी को कभी टाइम पे सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं और पत्नी से पहले ही फ्री हो जाते हैं। सेक्स के दौरान यानी कि इंटरकोर्स के दौरान जो लोग अपनी पत्नी को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, चरम सुख पे नहीं पहुंचा पाते, पत्नी से पहले ही उनका वीर्य निकल जाता है, यानी कि वो खुद ही फ्री हो जाते हैं और जिसमें औरत वेट करती रह जाती है, तो उनके लिए खास वीडियो है। पूरे वीडियो को एंड तक देखें। एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा आपको बताऊंगा जिसके यूज करते ही एक मिनट के अंदर अंदर पत्नी फ्री हो सकती है, जो गर्लफ्रेंड है, जो वाइफ है, जिसके साथ भी आपके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दें, आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं। देखिए, जब कभी भी संभोग या फिर सेक्स की प्रतिक्रिया या फिर क्रियाएं होती हैं, उस समय पे क्या होता है कि एक तो हर आदमी की एक विशेषकर गलती होती है। तो दोस्तों, ये मैं पहले एक जानकारी दे दूं मन चले लोगों के लिए, खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब कभी भी रति क्रीड़ा या फिर संभोग की अवस्था होती है तो कुछ लोग मन चले ऐसे होते हैं, तुरंत ही सेक्स करना शुरू कर देते हैं। ना तो कोई फोर प्ले होता है, ना कोई सेक्स से पहले औरत की जो एक इंटीमेट करने के लिए औरत को कभी भी उसका वो करते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं और सीधा ही सेक्स करने लग जाते हैं। औरत के लिए एक साइंटिफिक रीजन बताऊं कि कोई भी दुनिया में औरत जो है वो कम से कम उसको चरम सुख पे ले जाने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट। और ऐसे मन चले लोग जो डायरेक्ट ही सेक्स करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि खुद ही 2-3 मिनट 4 मिनट में उनका लास्ट टाइम ये होता है तो वो झट जाते हैं, यानी कि उनका वीर्यपात हो जाता है और औरत की तब तक तो कोई चिंगारी भी नहीं जली होती है चरम सुख के लिए। तो ठीक है, उन लोगों के लिए खास है, वैसे ये सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ कमजोर मर्दों के लिए बता देता हूं ताकि वो इस चीज को यूज करके थोड़ा सा खुश कर सके अपनी पत्नी को। ठीक है जी, तो देखिए, एक बहुत ही हमारी प्राचीन ये एक विधि है और ये बहुत मैं रिवील कर रहा हूँ और बहुत लोगों के लिए काम आएगी, बट इसको ध्यान रखिए। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी संभोग आप करने जाओ तो सबसे पहले तो ये खास बात ध्यान रखिए कि कम से कम 2 से 4 मिनट 5 मिनट आप पहले फोर प्ले करें। ठीक है, अपनी जो भी साथी है उसका थोड़ा सा जो बॉडी है उसको इंटीमेट करने के लिए कम से कम 3 से 4-5 मिनट आपको फोर प्ले करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सेक्स करोगे तो फिर उनको कोई भी उत्सुकता नहीं होगी आपके अंदर, या फिर जो भी आपकी साथी है वो क्या करती है कि वो सिर्फ आपके सेक्स के लिए नहीं, वो थोड़ी सी मेंटली यानी कि इमोशनली भी आपसे कनेक्ट होना चाहती है। तो अगर इस तरह की आप डायरेक्ट सेक्स करने से मतलब रखते हो तो कहीं ना कहीं आपका साथी जो भी है, फीमेल पार्टनर है, उसको भी यही लगेगा कि आप सिर्फ सेक्स के लिए ही बातें करते हो, बाकी आपकी कोई उनके प्रति, आपके साथी के प्रति आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये ना करें कभी भी। पहले प्यार मोहब्बत से आप अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से 4 से 5 मिनट फोर प्ले का टाइम जरूर दें, उनसे इमोशनल कनेक्ट हो। ठीक है जी, फिर क्या करना है, अभी जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज है और बहुत ही हजारों लाखों रुपए का इसका कीमत है, ये मान के चलिए बहुत छोटी सी चीज है और ये फ्री में है। इसको यूज करके आप खुश रहेंगे। हर इंसान के लिए जो भी सेक्सुअल कमजोर है, जिसका वीर्यपात बहुत जल्दी हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो आपको क्या करना है, आधे से भी कम चम्मच यानी कि जो एक टेबल स्पून जो होती है अपनी, वो आधे से भी कम आपको क्या लेके आना है, सुहागा। ठीक है जी, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, आधे से भी कम टेबल स्पून सुहागा आपको सेक्स करने से पहले आपकी वाइफ को, आपकी फीमेल पार्टनर को खिला देना है। ठीक है जी, पानी के साथ खिला देना है। उसके बाद जब आप सेक्स करोगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे भी पहले फ्री हो जाएगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी फीमेल पार्टनर, जब भी आपकी साथी जब चरम सुख पर पहुंचती है तो एक वो अलग ही प्रकार का उनके लिए जुनून होता है। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। और जो भी लोग सेक्सुअल बीमारी से परेशान है, जिनका वीर्यपात जल्दी हो जाता है, प्रॉपर उनका लिंग स्ट्रांग नहीं हो पाता है, ढीला हो जाता है सेक्स के दौरान, तो मेरे इस दिए हुए नंबर पर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, बहुत सारे लोगों को यह जानकारी पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।